ठीक 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 बावलपुर में, बावलपुर के जो लोग जेलों में गए हैं। एक मिनट, इसका कोई ना उनसे जरा उनसे मिलके ना बाद में मुझे बता देना। ओके जी, सुने आप मेरी बात। आज हमारी तकरीबन रमजान खत्म होने वाली है और मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि कारकुनों आप मेरे बच्चों की तरह हैं, इसलिए मेरा मैं चाहता हूं कि इस रमजान में मैं आपकी कम से कम इतनी तरबियत आपकी कर दूं कि इस रमजान के बाद मेरे कारकुन जो हो वो सारे पाकिस्तान में पहचाने जाए कि ये है तहरीक इंसाफ के कारकुन। और वो कैसा होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा जितना आप इसने इस नौजवान ने ऐसा जबरदस्त इसने हम पढ़ी है, जितना आप अल्लाह के करीब जाते रहेंगे आपकी परवाज ऊपर होती जाएगी, जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे और उसकी रास्ते पे चलेंगे आपका आपका अजमत का सितारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये याद रखें, हर इंसान के अंदर, हम हर सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम जो चाहते हैं हम बन सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है आपकी चीज समझना। मैं वो उन लोगों में से था, मेरे से बेहतर अकल में भी स्कूल में बच्चे थे, सलाहियत में भी बेहतर थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकला मैं अब जरा आपको बताना चाहता हूं। और वो आपने वही चीजें आपने अपनानी है। मैं आगे कैसे निकला, पहली चीज बड़ा सोचा करो, बड़ी ख्वाब रखा करो। आप उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन अगर मेरी ख्वाब सिर्फ क्लब क्रिकेटर बनने की है तो मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता। बड़ी ख्वाब रखो, बड़ा सोचो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अरबों के बीच में एक बड़ी सोच डाल दी। अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन का खिताब दे दिया, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए। बड़ी सोच। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, मतलब इसका बहुत समझने वाला है कि वो जो लोग कौमें आपसे आगे निकल गई हैं वो इसलिए नहीं निकली कि उनके अंदर कोई खास सलाहियत अल्लाह ने पैदा की है, वो इसलिए निकली है कि वो मुसलमान ना होते हुए वो उन उसूलों पे खड़ी हो गई हैं जो अल्लाह ने हमें हुक्म किए थे। मसलन अगर यहूदी, अगर हिंदू, अगर सिख, अगर वो सच्चे लोग होते हैं लोग उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे, अगर मुसलमान उनके सामने झूठ बोलता है उसकी इज्जत नहीं होगी। जिसका किरदार सादिक और अमीन के ऊपर होगा, सच्चा और अमानतदार, जो भी उसकी उसका दीन हो, जो भी हो, जिस भी मुल्क से हो, उस माशरे में उसकी इज्जत होगी। और जो कैरेक्टर, लोग कैसे आपकी तरफ आते हैं, लोग जब आपके किरदार से मुतासर होते हैं तब आपकी तरफ आते हैं। मैं करूं दीन की बातें और अपना जमीर एक डीजल के परमिट पे बेच दूं तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। सुन ले, सुन ले, इमाल अमाल जो आपके हैं वो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर कोशिश करेंगे उनके रास्ते पे, उनकी सुन्नत पे चलने की, तो आपकी खुद ही माशरे में इज्जत ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। अगर वो एक ईसाई या एक यहूदी या हिंदू, अगर वो उस पर चलेगा वो उसकी भी इज्जत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं। ये समझना आपने।
अगर आज यहूदी थोड़े से हैं, दुनिया के ऊपर हावी हुए हुए हैं, कितने होंगे यहूदी, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा है, इससे इतने भी शायद नहीं है। और मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान है, वो थोड़े से यहूदी अगर आज दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इसलिए करते हैं वो पढ़ते बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हैं। जो नबी ने कहा था कि अगर चाइना भी इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो जाओ, उन दिनों में चाइना जाने का मतलब अपनी जान से खेलना था, शायद ही कोई बच के आता था वापस। तो अगर आज दूसरी कौमें, दूसरे दीन के लोग अगर इल्म के ऊपर उतरा हमारे से ज्यादा अगर वो जोर देते हैं इल्म हासिल करने का, तो अल्लाह उनको ऊपर ले जाएगा। अगर अल्लाह जब से उसने दुनिया बनाई है हुक्म किया कि मैं उस इंसान को जो मेहनत करता वही ऊपर जाएगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब, मेरे से बेहतर खिलाड़ी भी थे, मेरी ख्वाब उनसे बड़ी थी, मैं फिर एक जगह पे पहुंचता था, फिर मैं उसके बाद अपना और ख्वाब बड़ी कर देता था। अगर मैं एक गोल पे पहुंच जाऊं फिर मैं अगला गोल सेट कर देता था, मैं कभी रुकता नहीं था। और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, अल्लाह आपको ऊपर ले जाता जाता है। आपके अंदर जो सलाहियत अल्लाह ने सब में डाली हुई है वो निकलनी शुरू हो जाती है। एक आदमी अगर बिस्तर में सारा दिन सोता रहे, खाए पिए और सोता रहे, वो बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसको बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा आदमी मेहनत करता है, नौजवान जो पढ़ाई के, मां बाप के पैसे पास पैसे नहीं है, वो दिहाड़ी भी करता है, वो आगे पढ़ता भी है, वो जो सलाहियत उसमें होगी उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मेहनत इतनी ज्यादा करता है कि उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जब आप अपने आप को, अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे और जोर लगाएंगे और अपने ऊपर और चैलेंजेस देते रहेंगे, उतने बड़े आप इंसान बनते रहेंगे। तो मैं बाकी उसे खिलाड़ियों से क्यों आगे निकल गया, क्योंकि मैं उनसे दुगनी मेहनत करता था। मैं गर्मी के अंदर जाके ट्रेनिंग करता था जब वो सारे सो रहे होते थे दोपहरों को। मैं जब मैं मैच खेलता था तो सारा, जब भी बुरा करता था अपना जायजा लेता था, रजिस्टर बनाया था, क्या गलती की मैंने, फिर मैं प्रैक्टिस नेट पे जाके अपनी गलतियां दूर करता था। जब लोग नहीं मेहनत करते थे, जिस्म को अपना तकड़ा करता था, एक्सरसाइज करता था बाकियों से ज्यादा, बल्कि एक्सरसाइज मैंने पाकिस्तानी टीम में शुरू की थी, उससे पहले कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता था। लेकिन सुने, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप सब, आप जो चाहें आप बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप फिर उसके लिए मेहनत करें। और जब बुरा वक्त आए, यह सबसे बड़ा समझने की बात है, जब आप दुनिया में ऊपर जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके मकासद होते हैं, कोई बड़ी ख्वाब होती है, जितना आप ऊपर सोचते हैं उतने ही बुरे वक्त आते हैं। ये कभी ना सोचें कि पहले दिन से ही जो आदमी ने फैसला किया वो ऊपर चला गया, ऐसे नहीं होता। आप जब भी आपका बड़ा मकसद होता है, आपको मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और कामयाब इंसान वो होता है जो मुश्किल वक्त को संभालना जाता है, जानता है कि कैसे मुश्किल वक्त में मैंने कैसे निकलना है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे से ज्यादा आप में किसी ने मुश्किल वक्त नहीं देखे। वो क्या होता है तरीका निकलने का, पहले अकल, आप में अल्लाह ने सबसे बड़ा ये जो आपकी ताकत है वो आपका जहन है। पहले सोचें कि ये मुश्किल वक्त क्यों आया, मैंने क्या गलतियां की। आपको अपनी गलतियों का जायजा लेने आना चाहिए। जब आपको पता चलेगा ये गलती की, फिर मेहनत करके उसको दूर करें, और फिर जब आप खड़े होंगे आप पहले से भी ऊपर चले जाएंगे। तो जिंदगी एक साइकिल का नाम है, ऐसे जाती है ऊपर, बुरा वक्त नीचे आता है। तो अल्लाह जब आपको कहता है ना कि मैं हर मुश्किल के बाद आसानियां पैदा करता हूं,
कुरान की आयत है, वाइना मालू उसरे युसरा, इना मालू उसरे युसरा, कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। क्योंकि वो उसके लिए जो ईमान रखता है, जो पता है कि मुश्किल वक्त है और मैं मेहनत करके इसे निकलूंगा। तो जो सबसे बड़ी मिसाल है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उन्होंने जब अल्लाह ने जब उनको नबूवत दी तो उससे पहले उनकी मुश्किल जिंदगी नहीं थी। ताजर थे, इज्जत थी माशरे में, हर मसले मसाइल में वो उनको कहते थे कि उनके पास जाओ हमारे मसले हल करने के लिए, क्योंकि अमानतदार थे, सच्चे थे, रिस्पेक्ट थी। जैसे ही नबूवत का हुक्म मिला कि आप जाओ पैगाम दो अल्लाह का, तो जैसे ही गए तो मुश्किलों और मुश्किलें आनी शुरू हुई, इम्तिहान आने शुरू हुए। तो ये सुने, ये हाथ नीचे करो, सुनो जरा गौर से, अकल करो, ये तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जैसे ही उनको अल्लाह ने हुक्म दिया पैगाम देने का, तो हर किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब उनको तंज किया अबू जहल ने, तो हजरत खतीजा के पास जाके दुखी थे, आंसू थे आंखों में, कि एक ईमानदार, अमानतदार और एक इज्जतदार इंसान को किस तरह कोई तंज कर सकता है। और फिर जब वो तैफ में, जब बच्चों से उन्होंने पत्थर पकवाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वो सबसे मुश्किल वक्त था उनके लिए। लेकिन सवाल सब ये पूछे कि अल्लाह ने जिसको अपना हबीब कहा है, वाहिद इंसान जो अल्लाह ने कहा ये मेरा हबीब है, जिससे अल्लाह प्यार करता है, उसको इस मुश्किल वक्त से क्यों गुजारा? सबको बताने के लिए कि मुश्किल वक्त का सामना जब करते हैं, अगर ऊपर जाना है तो जो अल्लाह ने अपना हबीब और जिसने सबसे दुनिया की तारीख में कामयाब इंसान, तो उसको मुश्किल वक्त से अल्लाह ने इसलिए गुजारा कि मुश्किल वक्त में इंसान तकड़ा होता है, ताकत उसमें तब आती है। ऊपर जाने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और नमाज में मांग रही है कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, सबसे ज्यादा नेमतें अपने हबीब को बख्शी अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ने हमें दिखाने के लिए कि उनकी जिंदगी से सीखो कि मुश्किल वक्त से डरता नहीं है, मुश्किल वक्त का मुकाबला करते हैं, सीखते हैं, मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। अच्छे वक्त में जब हम मैच जीतते थे, सारे तालियां तूलियां बजाते थे और कोई याद ही नहीं करता था कि गलतियां क्या की हैं। जब आप हारते हैं तो सारे बैठ के सोचते हैं कि जी क्या गलतियां, क्योंकि दुनिया गालियां निकाल रही होती है, और फिर अपनी अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं। और जो अच्छी टीमें हैं वो अपनी गलतियों को दूर करती हैं और फिर ऊपर आती हैं। तो इसलिए अब सबके लिए ये वक्त है, खास वक्त है सोचने का, सिर्फ रोजा रखने का नहीं, रोजे में सोचने का कि वो जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान था, हम आज क्यों, हमारी कौम इतने नीचे दुनिया में पीछे रह गई है, बेकारी बन गए हम, इज्जत नहीं है हमारी। हमें पूछना चाहिए अपने आप से, और आप जब ये पूछेंगे और सोचेंगे तो आपको एक चीज सामने आएगी कि जो जिसकी हम उम्मत हैं, उसने जो हमें कहा जिस रास्ते पे चलो, हम उस रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। ये आपको पता चलेगा कि ये वजह है कि आज हमारी मुल्क, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। और जैसे जैसे हम अपना रास्ता बदलेंगे, और जो हम नमाज में मांगते हैं अल्लाह वो रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, जैसे हम उस रास्ते पर चलना शुरू होंगे, उसी तरह हमारी कौम ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। दो हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहली दुआ कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना दे। दूसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निजाम कायम कर दे। तीसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में कोई इंसान
कोई इंसान भूखा ना सोए। और जो चौथी, ये खास तौर पे बटग्राम में लोगों को पता होगा इस, कि हमारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए सारी दुनिया में फिरते हैं, बीवी बच्चे को नहीं मिलते, घर में माँ बाप बीवी बच्चे, एक आदमी जाता है दो दो साल तक बाहर जाता है, छह साल तक। हाँ, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो बाहर से इतना खुशहाल मुल्क बना दे कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन, आमीन।